टॉपिक का नाम है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर, एक कंडक्टर है मूविंग इन अ ट्रांसवर्स मींस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड या मोशनल ईएमएफ। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि सपोज करो आपके पास ना एक कंडक्टर है, ये रहा एक कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है, और ये कैसे मूव कर रहा है, ये ऐसे मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी टुवर्ड्स राइट। तो अगर ये पॉइंट पी है और अगर ये पॉइंट क्यू है तो इस कंडक्टर के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना है आपने। इस कंडक्टर में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि कंडक्टर में प्रेजेंट हैं। अब इनके ऊपर क्या होगा, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कंडक्टर को आप राइट मूव करवा रहे हो तो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेंगे, टुवर्ड्स राइट, क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर है और कंडक्टर राइट जा रहा है तो इनको भी राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स राइट जा रहे हैं। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ये कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल टुवर्ड्स राइट जा रहा है तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बी कैसे है बोर्ड के इनसाइड, और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है राइट, पर सेंट्रल फिंगर इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं करती, प्रोटॉन या पॉजिटिव चार्ज को करती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो प्रोटॉन इधर जा रहा होगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस कहाँ होगी, नीचे। तो ये इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस कहाँ करेगा, नीचे। ये छोड़ो, सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फोर्स एक्सपीरियंस कहाँ करेंगे, नीचे। तो इलेक्ट्रॉन नीचे 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 इकट्ठे होते जाएंगे, कहाँ पे, यहाँ पे इकट्ठे होते जाएंगे, और यहाँ पर कुछ चार्ज आ जाएगा, कितना, नेगेटिव, और यहाँ पर चार्ज क्या जाएगा, पॉजिटिव, डिफिशेंसी हो जाएगी। शुरू शुरू में ये चार्जेस काफ़ी कम होंगे, मैंने क्योंकि अभी शुरू शुरू में इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट होने इकट्ठे होने स्टार्ट हुए हैं। आप इमेजिन करें रॉड को मूव करवाते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे, प्लस माइनस बढ़ता जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट कहाँ जाएगा, ऊपर, क्योंकि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो इसके अंदर जो करंट पैदा होगा वो ऑब्वियसली कहां जाएगा, ऊपर, इंड्यूस करंट ऊपर। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव लिखवाई थी, चेक करो, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों लिखवाया था। अब हुआ क्या, धीरे 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 ये प्लस और माइनस बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसको नीचे की फोर्स मिल रही है बी क्यू वी साइन 90, ये फोर्स से नीचे जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि प्लस और माइनस बढ़ते जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, प्लस और माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, कैसे, नीचे की तरफ, प्लस से माइनस, कितना, ये देखो, ये है ई वेक्टर, इस ई को बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शुरू में तो नीचे जा रहा था, अभी कहता है जी इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यूई इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर है, तो इसके ऊपर ये फोर्स ऊपर एक्ट करेगी ऐसे। शुरू शुरू में ये कमजोर है, ये बड़ी होती है तो इलेक्ट्रॉन नीचे इकट्ठे होते जाते हैं, थोड़ी देर में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाता है तो ये फोर्स भी बढ़ जाती है, और थोड़ी देर में क्या होगा, ये क्यूई यहां पर जो ऊपर की फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाती है, नीचे की फोर्स के इक्वल हो जाएगी। तो यहां से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी इंटू बी। तो ये क्या आ गया मेरे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो गया, यहां तक क्लियर है। अब हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में ये पढ़ा हुआ है कि अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है तो ई का फॉर्मूला हमने पढ़ा है माइनस डीवी बाई डी आर, याद है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड है माइनस, इमेजिन करो यहां का पोटेंशियल वीपी है, यहां का पोटेंशियल वीक्यू है, और मान लो आप पी से क्यू पे आ रहे हैं, और ये रिजल्ट कैसे लगता था, जब आप P से Q पे आ रहे हैं तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, और लेंथ मान लो कंडक्टर की कितनी है, L है। तो यहां से VP माइनस VQ, माइनस एडजस्ट हो गया, किसके इक्वल आ गया, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू L, और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है,
बी इंटू वी, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई, बी एल वी। इस पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम है मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी एंड क्यू। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो आज के बाद अगर रॉड, और हाँ, जब इलेक्ट्रॉन नेट फोर्स जीरो एक्सपीरियंस करता है तो शुरू शुरू में जो इलेक्ट्रॉन नीचे चले गए, बाकी जो रुक गए वहीं रुक जाते हैं, अब वो मूव नहीं करते, ये स्टेडी स्टेट बोलते हैं, ये स्टेडी स्टेट पे आ गया। तो स्टेडी स्टेट के ऊपर मोशनल ईएमएफ की वैल्यू कितनी डेवलप हो जाती है, बी एल वी। ये याद करना है फॉर्मूला, और करंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, याद तक क्लियर है। अब इसके अंदर थोड़ी देर में इलेक्ट्रॉन की मोशन हो जाती है बंद, क्योंकि स्टेडी स्टेट हो गया, इलेक्ट्रॉन मूव करना तो बंद हो जाएगा, पर पोटेंशियल डिफरेंस फिर भी डेवलप रहता है। इसीलिए फेराडे के लॉ में उसने कहा था, जब तक इसका फ्लक्स चेंज होगा तब तब इसमें ईएमएफ पैदा होगी, उसने ये नहीं कहा था तब तक उसमें करंट पैदा होगा, क्योंकि करंट बीच में जीरो भी हो सकता है, करंट तो गायब हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने का मोशन बंद ही हो गया। तो इलेक्ट्रॉन का मोशन बंद हो गया और करंट बंद हो गया, ईएमएफ तो अभी भी है, इसलिए फेराडे के लॉ ईएमएफ से काम करते हैं, करंट से काम नहीं करते। समझ में आ रहा है यहां तक, ये रूल कैसे लगेगा, कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन क्लियर है? ठीक yes, है। तो इस तरीके से आप करंट की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें ना अपने को मैग्नेटिक इफेक्ट भी आना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैट्स भी आना चाहिए, फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिक के साथ फ्लेमिंग का रूल भी आना चाहिए, तब जाके रिजल्ट आएगा। फेराडे ने इस चीज़ को स्टडी किया और इस चीज़ को दो लाइन में सॉल्व कर दिया। वो दो लाइन का शॉर्टकट क्या है वो अब हम स्टडी करते हैं। हम अपने अब आज के बाद क्लास में ये लगाएंगे नहीं, हम फेराडे का रूल लगाएंगे, क्योंकि फेराडे का रूल भी हमें इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू देता है। तो हम एक शॉर्टकट करने वाले हैं, वो शॉर्टकट अभी इसके बाद ट्राई करते हैं, ठीक है? तो ये नहीं करेंगे, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए करेंगे, फेराडे का लॉ देखते हैं कैसे।